ज़खीरा अंदोज़ी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 40 दिन तक गल्ला रोक कर रखता है, यानी अपना माल या अपना अनाज रोक कर रखता है और उसके महंगे होने का इंतजार करता है, वो अल्लाह ताला के जिम्मे से बुरी है, यानी अल्लाह पाक उस चीज को बुरा समझते हैं और अल्लाह ताला इससे बड़ी है, यानी अल्लाह पाक जो सजा फिर मुंतखब करेंगे उससे वो कभी बच नहीं पाएगा। इसीलिए कि कोशिश करें कि जितना भी आपका गल्ला है यानी आप उसको बेचें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, बल्कि ये इंतजार करते रहें कि कब महंगा होगा और कब हम बेचेंगे। आ जाएं वजीफे की तरफ। हदीस मुबारक आपको इसलिए सुनाई जा रही है ताकि आपसे कहीं पर भी कोई गलती ना हो, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ऐसे नया वजीफे और छोटे छोटे वजीफे बताऊं जिससे आप कर कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस परेशानी से आपको मतलब के खलासी मिल जाए और अल्लाह पाक भी आपकी मदद करे। याद रखिएगा, जो रिस्क अल्लाह पाक ने अता किया उसका हिसाब है और जो रिस्क जिक्र से आया उसका हिसाब नहीं होता, क्योंकि अल्लाह पाक ने वो आपको तोहफा दिया होता है। आज जो मैं आपको एक वजीफा बताऊंगी वो आप जरूर कीजिएगा। वजीफा करने पर अल्लाह ताला रिज़्क की बारिश करते हैं। अमल इस तरह करना है आपने, सात दाने जो चावल या गंदम, जो चावल या गंदम इनमें से किसी एक के भी सात दाने ले लें और दाने पर बारी बारी 70 मरतबा या रसाकू का विर्द करना है। फिर इन दानों को महफूज करके अलमारी में या किसी महफूज मकाम पर रख दें और कोशिश करें कि सब्ज रंग के कपड़े के अंदर हो, रेशम का सब्ज कपड़ा लें उसके अंदर रखें। ये अमल आप आम दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन शबे बरात की रात, यानी शबे बरात की रात वो रात होती है जब अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को पूरे अगले साल का रिज्क यानी हिसाब किताब मुरतब करने की हदायत देते हैं, जिसमें रिस्क जिंदगी और मौत वगैरह शामिल है। आप शबे बरात की रात ये अमल कर लें, इंशाल्लाह रहमत रब की पूरा साल रिस्क की बारिश होगी और आप पूरा साल खुशी से गुजारेंगे, तंगी से बचे रहेंगे। ये छोटा सा अमल है, करके देखिएगा, अपनी इस बहन को याद